ओला पाला से खराब हुई फसलों पर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि पहले सरकार इन मामलों पर खेतों में फौरन उतर जाती थी, लेकिन अब तक इस सरकार में किसानों को मदद नहीं पहुंचाई गई। देर भले ही हो गई हो, लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान 2500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी उसकी कीमत पर किसानों से धान लिया जाए, साथ ही अन्य फसलों के भी उचित दाम दिए जाए। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां सर्व शिक्षा अभियान की योजना पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चों तक ये योजना नहीं पहुंच पा रही है। कुछ ऐसे ही हालात शहडोल में देखे जाए गए हैं, जहां पढ़ने की उम्र में बच्चे क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्टों में ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। इनके माता पिता उनके पालन पोषण के लिए ये काम करवाते हैं, क्योंकि उनके पास पेट पालने के लिए और कोई साधन नहीं है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री और जिला भारी मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि वो इस जल्द सरकार से चर्चा कर कदम उठाएगी जो बच्चों के हक में होगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बचपन एक ऐसी अवस्था जो बेपरवाह होती है। कहते हैं ये वो उम्र है जब किसी बात की फिक्र, किसी बात का रंज नहीं होता, पर ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी हाँ, इस बच्ची का मासूम बचपन खो गया, छीन लिया गया इसके हाथों से खिलौना। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के कंधों पर है अपने घर को चलाने की जिम्मेदारी। ये मामला है शहडोल जिले का नरगी निवासी रानी के साथ साथ उन सभी बच्चों का जो इस उम्र के पड़ाव में अपने नन्हे हाथों में पेंसिल, कॉपी और किताब के सहारे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत मासूम रानी और उसके साथ और बच्चे अपने इन नन्हे हाथों में हथौड़ा लेकर कोयले के टुकड़े कर कठिन परिश्रम से बच्चे अपनी नींव कमजोर कर घरों की नींव तैयार कर रहे हैं। क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्टों में ईंट बनाने को ये विवश है नौनिहाल, इस बात से अनजान कि क्या होगा इनका भविष्य। बच्चे इसी काम से अपना जीवन संवार रहे हैं। स्कूल जाती हो आप? नहीं। पढ़ाई नहीं करती? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पापा नहीं भेजते। नहीं भेजते? तो आप क्या करते हो फिर? ईंटा ढोती हूँ और कोयला डलवाती हूँ, बस इतनी है। ईंटा ढोती हूँ, कोयला डलवाती हूँ। कितना पैसा मिलता है आपको? कौन हफ्ते 400, कौन हफ्ते 500। अच्छा, तो फिर वो पैसे क्या करती हो? कपड़ा लेती हूँ। अच्छा, खाना खर्चा देती हूँ। खाना खर्चा? तो पढ़ाई का मन नहीं करता आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। कोई बोलता भी नहीं है पढ़ाई स्कूल जाओ? तो भट्टा वाला भी नहीं बोलता कि स्कूल जाओ? ऐसा नहीं कि रानी जैसे और बच्चे ईंट बनाने का ये कठिन काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, बल्कि उनके माता पिता खुद इनसे ये काम करवा रहे हैं। उनके सामने पेट पालने का यही सहारा और जरिया है। पालन पोषण सही तरीके से ना कर पाने पर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कमाए पैसों से उनकी मदद कर अपना भरण पोषण कर ये बच्चे अपनी छोटी मोटी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और इसी हाल में खुश हैं। आप छोटे बच्चों से क्यों काम करा रहे हो? अरे बंद कीजिए भैया। बंद तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप क्यों करा रहे हो? ये बच्चों को पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप हाथ लगा रहे हो कैमरे में, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब बच्चों को आपको पढ़ाई की उम्र में बच्चों को क्यों यहाँ काम में लगाया? उनको प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वालों इसकी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं अधिकारियों को देखें तो बच्चों के काम करने की बात को स्वीकारा तो है, इस ओर सार्थक कदम उठा कार्रवाई करते हुए इन्हें चिन्हित कर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की भी बात कही है। बच्चे निश्चित रूप से अगर इस तरह के बच्चे कहीं पर हैं
पर वो देखना पड़ेगा क्योंकि ईटा भट्टा में काम करने बाहर के जिलों से आते हैं बच्चे, बाहर से लोग आते हैं, पर आपने संज्ञान में लाया बात तो देख लेते हैं, और जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, उसको हमें देखना पड़ेगा, और देख करके अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसमें कोई ना कोई सुधारात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इस तरह के बच्चे हैं जो स्कूल में रहते हुए अनुपस्थित रहते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं, इसका भी मैं दिखवा लेता हूँ, निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए कोई ना कोई हम एक जो उचित कार्यवाही होगी शासन के मापदंड और निर्देशानुसार वो करेंगे। साथ ही साथ इस मामले में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री का भी कहना है कि जो भी हो रहा है गलत है, इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और ये मासूम बच्चे जिनको कि स्कूल में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी वो उठाएंगे और इस पर गहन चिंतन और चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हम संज्ञान में लिए हैं और मैं तो बता दूं शाला त्यागी बच्चों के विषय में तो हम कार्य ही कर रहे हैं, परंतु हमने तो जो भोपाल जैसे बड़े शहरों में जो गरीब लोग कहीं कचरा बीनते हैं, कहीं वो चौराहे में खड़े होकर के परिश्रम करते हैं, मैं तो उनके साथ भी मीटिंग कर रहा हूँ और उनसे भी बात कर रहा हूँ कि उनके लिए क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनका बचपन में उन्हें शिक्षा के लिए अवसर मिल सके, उनके जीवन बेहतर हो सके। DNN डेस्क रिपोर्ट।